G31। हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मोटो G31 के बारे में, जो फोन हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये फोन मोस्ट चीपेस्ट एमुलेट डिस्प्ले वाला फोन है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है अब तक। हालांकि Redmi Note 10 भी चीपेस्ट प्राइस में लॉन्च हुआ था, शायद इसका प्राइस अभी हाई हो गया है। Motorola G31 इंडिया में एक और सरप्राइज के साथ लॉन्च हुआ है। ये फोन इंडिया के बाहर 10 वाट की चार्जर के साथ मिलता है, मगर इंडिया में ये फोन 20 वाट के चार्जर के साथ दिया गया है, मतलब 20 वाट की पावर 24 आवर। पीक ब्राइटनेस की अगर बात करें दोस्तों, इस फोन में 700 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है आपको। दोस्तों PPI के बारे में अगर बात करें तो इस फोन में सबसे ज्यादा PPI देखने को मिलता है, मतलब 409 PPI। बेजल के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो ठीक ठाक बेजल देखने को मिलता है इस फोन में, और चिम के बारे में अगर बात करें तो वो भी डिसेंट है इस फोन में। दोस्तों सेंटर पिंच होल के बारे में अगर बात करें तो इस फोन में क्वाइट स्मॉल सेंटर पिंच होल देखने को मिलता है, जबकि इस बजट सेगमेंट के अंदर और भी कुछ ऐसा फोन है जिसमें इससे ज्यादा बड़ा पिंच होल देखने को मिलेगा आपको। एमोलेड डिस्प्ले के बारे में अगर बात करें दोस्तों, ब्लैक जो है क्लियर ब्लैक दिखता है, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक ही है। ये कह सकते हैं इस बजट प्राइस के अंदर इस फोन में जो ब्राइटनेस है वो 10 out of 10 है। प्रोसेसर के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो इसमें पुराना प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन गेमिंग के लिए ये कैपेबल है। दोस्तों अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें तो इस फोन में 10-20 के बीच में आता है। गेम खेलने के टाइम फ्रेम ड्रॉप नहीं होता दोस्तों इस फोन में। दोस्तों वही बैटरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है आपको 20 वोल्ट के चार्जर के साथ, जो कि 1.5 से 2 दिन हमेशा चल जाएगा। मतलब दोस्तों 5000 mAh बैटरी की पावर 24 आवर। देखिए दोस्तों UI के बारे में अगर बात करें तो मोटो की UI मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों आइकॉन की कलर, उसकी शेप, ट्रांजेक्शन ये भी चेंज कर सकते हैं, जो कि एक फन फीचर्स है आपके लिए। देखिए दोस्तों इस फोन में बैटरी क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इस फोन में जो है स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है। देखिए दोस्तों इसमें एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है आपको, लेकिन कुछ टाइम बाद शायद इसमें एंड्रॉइड 12 भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर के मामले में ये फोन बहुत ही बढ़िया है। देखिए दोस्तों इससे ज्यादा प्राइस वाले फोन में जो जो फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलता है, वही कुछ कुछ फीचर इस फोन में देखने को मिलेगा आपको, जैसे थिंक शील्ड हो गया। देखिए दोस्तों थिंक शील्ड एक ऐसा चीज है जो आपकी फोन में जो डाटा है उसको एक्स्ट्रा एक लेयर मिलता है सिक्योरिटी के हिसाब से, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि इस फोन में देखने को मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो 2.2 MIMO डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.5, डुअल 4G वाईफाई कॉलिंग भी देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों सेंसर के बारे में अगर बात करें तो इसमें सभी सेंसर आपको देखने को मिलता है रियर माउंट एंड फेस अनलॉक के साथ। हाँ दोस्तों इसमें एक और फीचर है जो कि आजकल के फोन में मिसिंग दिखाई दे रहा है, वो है नोटिफिकेशन लाइट। जी दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन लाइट भी आपको देखने को मिलता है। जनरली दोस्तों 12-13 हजार के फोन में नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इस बजट सेगमेंट के अंदर। दोस्तों पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3.5 mm पोर्ट दिया गया है। दोस्तों इस फोन में साइड स्विच के बारे में अगर बात करें तो बीच में आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम स्विच, नीचे आपको देखने को मिलेगा पावर ऑन ऑफ स्विच, लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सिम ट्रे, जो कि हाइब्रिड है, मतलब 2 सिम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या 1 सिम के साथ 1 SD कार्ड यूज कर सकते हो आप। देखिए दोस्तों कैमरा के बारे में बात करूं तो Motorola कहता है क्वाड फंक्शन, मतलब ट्रिपल रियर कैमरा। देखिए दोस्तों इसमें जो अल्ट्रा वाइड 8MP कैमरा है वो बहुत सारा फोन में निकल दिया गया है, लेकिन इस फोन में अभी भी दिया गया है।
दोस्तों अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो इसमें आगे की तरफ सेंट्रल पंच होल में 13 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन में जो बैक प्रोफाइल है वो बहुत ही खूबसूरत एक अलग ही डिजाइन है। दोस्तों इसमें आपको एक अलग टेक्सचर देखने को मिलेगा जो कि काफी यूनिक है बाकी फोन से। दोस्तों ये फोन दो वेरिएंट में आता है, एक 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,999 और दूसरा जो है वो फोन आता है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 14,999। दोस्तों इस फोन की कुछ पॉजिटिव साइड के बारे में अगर बात करें तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड प्लस बहुत ही अच्छा टॉप क्वालिटी की डिस्प्ले प्लस बैटरी मिलता है आपको 5000 mAh की और इस फोन की कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छा है इस प्राइस के हिसाब से। तो दोस्तों आपको ये फोन कैसी लगी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।